जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे सेकेंड पेपर और सेकेंड यूनिट की मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्या है भाई? लर्निंग, अधिगम। अधिगम से एक सवाल आपको आना ही आना है, तो आसान शब्दों में समझ जाइए कि अधिगम होता क्या है, लर्निंग होता क्या है। देखिए, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम शुरू से करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब बात लिखने की हो तो जानते तो बहुत कुछ है लर्निंग के बारे में, मगर लिखे तो लिखे क्या, ये समस्या होती है। तो जस्ट वेरी शॉर्ट फॉर्म में, आसानी आसान भाषा में समझ जाइए कि अधिगम की मीनिंग क्या होती है। देखिए, अधिगम या सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के व्यवहार में विभिन्न अनुभव के माध्यम से प्रगतिशील परिवर्तन आता रहता है। पूरे लर्निंग का यही सारांश है कि यह एक जीवन प्रयत्न चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सीखने के बाद क्या परिणाम आता है, मनुष्य के व्यवहार में विभिन्न अनुभव के माध्यम से, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे जीवन में क्या होता है, प्रगतिशील परिवर्तन आता है। इंग्लिश में इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, द लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अ प्रोग्रेसिव चेंज इन अ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस, थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव के माध्यम से। तो अगर एक नंबर या दो नंबर में सवाल आता है तो इतना काफ़ी है, लेकिन इसके बाद से अगर आपका लॉन्ग आंसर या वेरी सॉरी शॉर्ट आंसर में भी आता है तो आपको शुरुआत यहीं से करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद जो भी चीज़ें आपको पता है वो लिख दीजिएगा। अगर आपको यह लगता है कि सर इसके बाद क्या पता है, क्या लिखें, ये सारी चीजें आपको पता है क्या कि अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु उपरांत कुछ ना कुछ सीखता है, सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की गति बढ़ती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष अथवा समय विशेष निश्चित नहीं होता, ये कहीं भी इंसान सीख सकता है। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अथवा परिस्थिति वश कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वास्तव में सीखना मानव जीवन की कुंजी है। सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यवहार में परिष्कार करता है, मतलब सुधार करता है। तो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है, बस आप इसको एक बार देखिए और इसको बिल्कुल रटिएगा मत। अपने भाषा में जो भी आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में आए वो लिख दीजिएगा। इसमें क्या है भाई, लर्निंग एक जीवन प्रयत्न चलने वाली यूनिवर्सल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मृत्यु तक चलती है। इंसान को सीखने के लिए न किसी समय की ज़रूरत है, न किसी टाइम की ज़रूरत है, न किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, कहीं भी कुछ भी किसी से सीख सकता है और परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखने की गति बढ़ती घटती रहती है। तो यही दोस्तों सीखने के बारे में, सीखने की प्रक्रिया मानव की जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वास्तव में सीखना मानव जीवन की कुंजी है। सीखने से क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसका सुधार आता है, अलंकृत हो जाता है उसका व्यवहार। तो यही बात सीखने की दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट आपको ये लिख लेना है सीखने के अर्थ में, लर्निंग के अर्थ में, और उसके बाद आपको जो समझ में आए थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे लिख दीजिएगा। इंग्लिश में सेम चीज़ को ट्रांसलेट किया गया है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग ऑन गोइंग यूनिवर्सल प्रोसेस, अ पर्सन स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम बर्थ एंड कीप्स लर्निंग टिल डेथ, द पीस ऑफ अ लर्निंग वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट। There is no specific place or time fixed for learning. कोई समय स्पेसिफिक या कोई फिक्स टाइम नहीं है। A person can learn anything from anyone, anywhere and any time. As per the need or circumstances, अपनी ज़रूरत और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने circumstances के अनुसार वो कहीं भी कुछ भी किसी से कहीं सीख सकता है, ठीक है। तो the learning is a process. The learning process is the most important things in human's life. Actually, learning is the key of a human life. तो ये चीज़ें दोस्तों, मेन आपका ये रहा कि लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव चेंज इन अ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस। उसके बाद आप लर्निंग के बारे में जो कुछ भी आपको याद है लिख लीजिएगा, जैसे लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कीप गोइंग टिल डेथ, द पेस ऑफ अ लर्निंग वेरीज फ्रॉम द सिचुएशन रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी गति घटती बढ़ती रहती है, यही चीज़ें दोस्तों। तो ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी। मेन चीज़ आपको क्या है कि लर्निंग का अर्थ समझ जाना है कि ये क्या है भाई, जीवन प्रयत्न चलने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के व्यवहार में विभिन्न अनुभव के माध्यम से प्रगतिशील परिवर्तन आता रहता है। उसके बाद आप इसमें से जरूर लिख दीजिएगा।
आगे मूव करते हैं डेफिनेशंस लर्निंग की. लर्निंग के परिभाषा कुछ विद्वानों ने, कुछ मनोवैज्ञानिक ने दिया है. तो बड़ा इजी सा डेफिनेशन जो पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके अर्थ, उसी से रिलेट करता हुआ यहाँ आपके पास चार डेफिनेशंस वर्ल्ड वुथ के शब्दों में. वर्ल्ड वुथ ने क्या कहा था, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है. सीखना क्या है, विकास की. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया है. इंसान विकसित होता है, इंसान सीखता है. दूसरा स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन. सिंपल सी बात है. गेट्स एवं अन्य शब्दों में अधिगम की परिभाषा यह है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है. क्या है भाई, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, एक्सपीरियंस और मॉडिफिकेशंस की क्या है भाई, सॉरी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग द्वारा आपके बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उसी को अधिगम कहते हैं, उसी को लर्निंग कहते हैं. इंग्लिश में द लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग. ठीक है दोस्तों, बड़ी सिंपल सा आपके पास डेफिनेशन. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रो एंड क्रो ने बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दिया कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है. तो सीखना क्या है भाई, द लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. अर्जन, एक्विजिशन मतलब अर्जन है, अच्छी आदतों का, ज्ञान का और एटीट्यूड का, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है, सीखना. तो चार मनोवैज्ञानिकों का ये बड़ा आसान सा डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो अभी तक आपने इनका डेफिनेशन देख लिया और साथ ही साथ इसका अर्थ देख लिया. अर्थ की थोड़ी बहुत हमने हिंदी में व्याख्या कर दी और साथ ही साथ अर्थ की व्याख्या हमने थोड़ी सी इंग्लिश में कर दी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है. आप चाहे प्रकृति कह लें, आप चाहे विशेषता कह लें, आप चाहे इंपॉर्टेंस कह लें, आप चाहे इसका उपयोग कह लें, एक ही बात हुई कि अधिगम का यानी कि लर्निंग का विशेषता, प्रकृति, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है. तो इसकी सबसे पहली प्रकृति या विशेषता देख लीजिए कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है. द लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर. ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है. द नेचर ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर इज रिलेटिव परमानेंट. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो वह हमारे ज़िंदगी में एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी. एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आपको साइकिल चलाना सीख गए हैं, अगर कंप्लीटली आ गया है, तो वह आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो गया है. आप चाहे 10 दिन, एक हफ्ते साइकिल ना भी चलाएं, उसके बाद भी आप साइकिल चला सकते हैं. अब बच्चे ये कह सकते हैं कि सर मैंने क्लास फर्स्ट में कोई मैथ सॉल्व करना मुझे आता था, लेकिन अभी मुझे वो नहीं आता है. तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको पहले आती थी और अभी नहीं आती है, इसका मतलब कि वो आपने पढ़ा था. पढ़ने और सीखने में फ़र्क होता है. हो सकता है आपने उसका अध्ययन किया था, स्टडी किया था. सीखने में और पढ़ने में फ़र्क है. सीखना का मतलब जब आप कोई चीज सीख जाते हैं, चाहे खाना बनाना, चाहे स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, बैटिंग करना या फिर स्कीप रोपिंग करना, जब आप कोई सीख जाते हैं तो वो आपके जीवन में परमानेंट रिलेटिवली चेंज आता है. वो क्या होता है भाई, अस्थाई परिवर्तन हो जाता है. नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ कि सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है. पूरी लाइफ आप सीखते रहेंगे, स्कूल्स में, स्कूल्स के बाहर, कहीं भी, कहीं समय आप सीखते रहेंगे. सीखना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है. पूरी दुनिया के लोग सीखते हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं सीख सकते हैं. सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्धारित होता है. जब आप कुछ सीखते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, एक लक्ष्यपूर्ण होता है. द लर्निंग इज़ द प्रपोजल एंड गोल डायरेक्टेड. ठीक है दोस्तों, तो ये गोल डायरेक्टेड है एंड उद्देश्यपूर्ण होता है. सीखना का संबंध अनुभव के नवीन व्यवस्था से होता है. लर्निंग इज कंसर्न विद अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस. आपके न्यू एक्सपीरियंस पे सीखने का क्या होता है भाई, व्यवस्थित होता है, नवीन व्यवस्था पे संबंध होता है. सीखना वातावरण की एक क्रियाशील उपज है. सीखना क्या है, वातावरण की एक क्रियाशील उपज है. द लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़. ये 7 पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद भी थोड़े से पॉइंट है, बस देख लीजिए, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है. मैं आपको 15 पॉइंट दे रहा हूँ, 15 पॉइंट में जो भी एग्जाम्स के टाइम याद में आ जाए वो चिपका दीजिएगा. तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अधिगम की एक परिस्थिति दूसरे परिस्थिति को स्थानांतरण किया जाता है. अगर आप कोई चीज़ सीख गए हैं तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं. तो देर इज़ अ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन ऑफ अ लर्निंग टू अनदर. एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में आप इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अधिगम के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है.
टीचिंग लर्निंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इससे फाइंड प्राप्त किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं, आपके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आप उससे भी वो भी हासिल करते हैं अधिगम के द्वारा। ठीक है, अधिगम क्या है भाई, अधिगम उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। लर्निंग हेल्प्स इन अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है। अधिगम व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास में, सार्वभौमिक मतलब आपका कंप्लीटली डेवलपमेंट करता है। द लर्निंग हेल्प इन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, पूरे जिंदगी पूरे लाइफ की बात करने का, चलने का, कपड़े पहनने का, हर चीज़ के तरीके को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है अधिगम यानी कि लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होती है। किसी बच्चे का ड्रीम है कि उसे सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वो सीख के अधिगम के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अधिगम समायोजन में सहायक है। लर्निंग इज हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, किसी चीज़ को आप सीखते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इंडिया में कैसे रहना है, इंडिया से बाहर कैसे रहना है, तो इसमें भी सहायक है। तो भाई अधिगम और विकास एक दूसरे के प्राय नहीं है। द लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर नॉट सिनेमस विद ईच अदर, और अधिगम सदैव सही दिशा में विकास होना जरूरी है। द लर्निंग ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज हैव अ प्रोग्रेस इन द राइट वे, अधिगम में सदैव सही दिशा में विकास होना जरूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो वो सही दिशा में सीख रहे हैं। लोग दारू पीना, सिगरेट पीना, ये गंदी चीज़ें भी सीख जाते हैं, तो अधिगम सदैव एक ही दिशा में विकास होना जरूरी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो चीज़ें लिखी हैं दरअसल मिस्टेक हो गया, इसमें क्या है कि अधिगम को आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। इससे तो ये सब रिलेटेबल चीज़ है, आप इसको रिलेट करेंगे अभिप्रेरणा, किसी बच्चे को जितना मोटिवेट करोगे वो उतना बेहतर तरीके से सीखेगा। उद्देश्य का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जब आपको पता होगा कि आपका उद्देश्य क्या है तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेनफोर्स और मैच्योरिटी, पुनर्वलन और परिपक्वता। परिपक्वता सिमिलरली दोस्तों, जितना बच्चा परिपक्व होगा, जितना मैच्योर होगा, उतना अच्छे से सीख सकता है। पांचवा है दोस्तों इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वही बात है, बौद्धिक योग्यता एवं क्षमता। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड कैपेसिटी यहाँ पे होना चाहिए था, बौद्धिक योग्यता एवं क्षमता, कितना उसका मेंटली प्रिपेयर है। कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट एंड द मीनिंग ऑफ अ कंटेंट, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका कंटेंट क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है, इससे बच्चे भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इससे बच्चे भी सीखना प्रभावित होता है। दूसरा है दोस्तों थकान एवं अनुपयुक्त कार्यकारी परिस्थिति। मान लीजिए अगर बच्चे थके हुए हैं तो वो कहाँ से सीख पाएंगे, तो ये भी क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। फटीग एंड इन अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस, आठवां है दोस्तों अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां, कौन सी विधि से आप बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो भी प्रभावित करता है सीखने को, मेथड यूज फॉर लर्निंग। नौवां है दोस्तों शिक्षण के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन बात जब लिखने की आती है तो थोड़ा बहुत इंसान ऐसे समझ में नहीं आता और चीज़ें सोचने लगता है। तो ये एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए, इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। आप अपने शरीर से मिलाइए, अपने बुक से पढ़िए और ये इसके स्क्रीन शॉट लेके रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको पॉइंट्स और हेडिंग याद रखने में, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको हेडिंग ही याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अधिगम को प्रभावित करने वाले 8-9 कारक देखे, और साथ ही साथ हमने 15 इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति देखी, और साथ ही साथ इसके अर्थ की व्याख्या करी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसका अर्थ जाना कि अधिगम का मतलब क्या होता है, और अधिगम के 4 मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा देखी। तो दोस्तों इस यूनिट्स में अधिगम को लेकर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोटिवेशंस की तरफ, और जो 3 मुख्य अधिगम मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव, स्कीनर, थॉर्नडाइक, उनके क्या सिद्धांत हैं वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स। अपना खूब ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत। नीचे लिंक में और कमेंट में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ जो भी बच्चे थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कस करके पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।